लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आर द एडवाइसेस दैट यू वुड लव टू गिव टू यंग एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री? सी माय बिगेस्ट एडवाइस वुड बी, दोस्तों आज हमारे साथ इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर मैज 26 साल की उम्र में स्टार्ट किया एंड 29 साल की उम्र में 29 इयर्स की एज में उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसमें सफलता भी हासिल करी। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया एज अ जिला परिषद कैंडिडेट। इन्होंने वो इलेक्शन जीता और वो इलेक्शन ऐसा जीता दैट इट वॉज एन अनडिफीटेबल विन। और उसके बाद इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा एंड वो उसमें भी जीते। इनकी जर्नी कैसी रही और कैसे इन सब इन्होंने ये सब कुछ किया उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा दैट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए ऑफ नॉट ओनली हिमाचल बट ऑफ इंडिया। बाकियों के तो चाचा विधायक होते हैं, हमारे भैया विधायक हैं। तो आई रियली वांट टू वेलकम मिस्टर चैतन्य शर्मा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर न्यू sort of, you know, venture. It's always very inspiring. Yeah. And at the same time, it's, you know, very heartwarming to see कि हमारे प्रदेश का जो युवा है वो ऐसे positively जो है engage करने की कोशिश करता है। So, मैं आपके सारे दर्शकों को जो आपका पेज है, जो आपका चैनल है द मैच्योर कॉन्वो, आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आपको यहाँ आने पे स्वागत भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। तो भैया जो लाइफ जर्नी रही है उससे बहुत फैसिनेट हुआ मैंने, उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे आपने अपने प्रोफेशन जो थे वो चेंज किए और एडवोकेसी करते करते आपका पॉलिटिक्स में एंटर भी। तो आप अपनी प्लीज अपनी जो शेयर करना चाहें अपनी जर्नी जो फ्रॉम द वेरी इनिशियल फ्रॉम द वेरी बेसिक्स राइट, वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे आपने प्रोग्रेस करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? सी देखिए, जैसे आज आप मेरे गांव आए हैं जी, गांव मेरा जो पड़ता है अभयपुर जी, गगरेट विधानसभा में एक छोटा सा गांव है, 600 की हमारी जनसंख्या आबादी है यहां के हमारे गांव की। यही मेरा पैतृक है, मेरे जो दादाजी होते थे जो मेरे बाबा जी थे वो यहीं से ही जो है दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने जो है अपनी कुछ जो है शिक्षा खुद की ग्रहण करी, उसके बाद उन्होंने वहाँ काम करना शुरू करा। माय फादर आल्सो यूज्ड टू कीप यू नो ही वाज वेरी क्लोज विद हिज ओन फादर माय ग्रैंडफादर। उन्होंने अपना फॉर्मेटिव ईयर जो है दिल्ली में काटा, ही इज़ अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो भी दिल्ली में करी और हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया। सो जो मेरी जर्नी है और जो मेरा सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो प्री इक्वल टू माय पॉलिटिकल करियर है वो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स से बहुत ज़्यादा जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मैंने अपने बचपन में जो मेरे प्री टीन ईयर्स थे, जो आप बोलते हैं ना कि जिन चीज़ों की आपको कुछ यादें जो हैं माइंड में रह जाती हैं, आप बचपन की कुछ यादें हैं जो इम्प्रिंट रह जाती हैं। सो मेरे फादर भी जब पोस्टेड होते थे, ही यूज्ड टू बी इन यूपी कार्डर, उसके बाद उत्तराखंड चले गए थे, तो उत्तराखंड में मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो यादें हैं उनसे जुड़ी हुई एंड दे आर मोस्ट यू नो मोस्टली रिलेटेड टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल और सम फील्ड वर्क, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे हर एक बच्चे का जो एक फादर होता है उनके लिए प्रेरणा स्रोत होता है। बट जिस हिसाब से मैंने उनको काम करते हुए देखा, जो इंस्पिरेशन हमने उनसे ड्रॉ करी एंड उनके अंदर हमेशा जो है एक झील तो थी काम के प्रति, बट बच्चों के प्रति उनका जो है एक बहुत यू नो एक दृढ़ निश्चय था मन के अंदर कि आपको अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा फोकस में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर एकेडमिकली साउंड देन यू नो यू कैन वॉन्ट टू अचीव एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। तो उन्होंने हमारे अमेरिका भी भेजा, मेरी सिस्टर भी अमेरिका में पढ़ी। मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई दिल्ली में करने के बाद फिर मैं अमेरिका गया, अमेरिका में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करी, फिर मैंने वहाँ वर्ल्ड बैंक में काम किया 2-3 साल के लिए। आई केम बैक टू इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी एंड जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वातावरण होता है वो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव होता है। सो ऑल्दो आई डिड नॉट कंटेस्ट एन इलेक्शन देयर बट आई गॉट टू सी यू नो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जो छात्र संघ राजनीति होती है, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे देश की जो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी रीढ़ की हड्डी भी है। और उस पर भी आई होप हम इस कॉन्वर्सेशन में भी आगे आएंगे, क्योंकि अब जो न्यू एज पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, सो दैट पॉलिटिकल स्पेस ऑफ यू नो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन दिस कंट्री। वहाँ अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, एडवोकेसी करनी शुरू करी, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, वहाँ पर काम करना शुरू करा एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक माइंड में प्लान तो इंसेप्टेड था ही कि आई विल गेट इनटू पॉलिटिक्स। ये नहीं पता था कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, रोड मैप उसका बनाना था, बट जैसे पॉलिटिक्स में और अधिकतर चीज़ों में लाइफ में बोला जाता है कि भगवान जो है आपके रास्ते खोलता रहता है एंड आई थिंक लाइक मैनी अदर वेरियस डिफरेंट थिंग्स लक एंड हार्डवर्क दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो जो कोरोना का टाइम आया था तो एक नेचुरली इंक्लिनेशन मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बट विश्व भर में सबकी अपने
घर के प्रति होने लग गई थी। अगर कोई व्यक्ति जो है प्रवास में कहीं पर बाहर काम कर रहे थे विदेश में, तो वो देश वापस आ रहे थे, जो देश में किसी दूसरे कोने में थे वो अपने प्रदेश की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे थे। तो नेचुरली सबके अंदर एक भावना थी, जब हम अपनी लॉ फर्म में भी कहीं पर भी किसी भी तरीके का यू नो राशन बांटने की ड्राइव करते थे या किसी भी यू नो सोशल वेंचर को टेक अप करते थे, तो यही लगता था यार कि हमारे रूट्स तो वहाँ की हैं। तो जब हम सुनते थे कि इतने सारे फलाफला हिमाचली लोग जो हैं दिल्ली से वहाँ से, मेरे फादर का कनेक्शन तो रहता ही था, यू डिस्ट्रिक्ट यू कनेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट यू कनेक्टेड टू पीपल इन द ग्रेट, तो हमने यहाँ पर एक अभियान जो है शुरू करा। एंड जो आपने सवाल पूछा कि जो जर्नी थी, दैट वॉज द रियल टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एंड जैसे आपने एक बात कही बीच में कि आई चेंज प्रोफेशन, आई स्टिल लाइक टू से मैंने तो कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करा। मैं तो आज भी जब कभी भी कुर्ता पजामा में पहन के बैठा होता हूँ तो मेरे को माइंड में यही होता है कि आई एम एक्चुअली एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। तो वो एक जो है भगवान ने सहयोग मान लीजिए एंड गुड लक मान लीजिए कि गगरेट की जनता ने, जो हमारी यहाँ की देवतुल्य जनता है, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, खासकर जो मेरे युवा साथी हैं जो महिलाएँ हैं उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। सो एक चेन बनती गई एंड यू नो वी वर्क ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ क्राइसिस विच वॉज कोरोना वायरस एंड अलॉन्ग विद दैट देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन थिंग्स विच एक्चुअली मैटर। हम सिर्फ सड़क बिजली पानी की नहीं बात करते हैं, आज की डेट में भी मैं अपने 6 महीने के कार्यकाल में विधानसभा में भी जय मैंने जब मुद्दे उठाए होंगे अपने पिछले पहले के 2 सत्रों में, तो वी ओनली डोंट ट्राई टू फोकस ऑन यू नो रोड्स, ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन वाटर। ऑफकोर्स दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइफ लाइन्स हैं और ये जो हमारे मतलब बिल्कुल बोल सकते थे जो कोर इशूज ऑफ डेवलपमेंट हैं। आज की डेट में भी बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति बहुत ज़्यादा जगहों पर बनी हुई है, सिर्फ इस प्रदेश में नहीं मेरे ख्याल से देश भर में, कि जिस रेट पे डेवलपमेंट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। बट जब तक हम एजुकेशन पे नहीं फोकस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं फोकस करेंगे, हेल्थ केयर के ऊपर स्पेशली नहीं फोकस करेंगे, बाकी की साइड की चीज़ें जो है वो रूडिमेंट्री रह जाएंगी। सो दैट इज समथिंग दैट कनेक्टेड विद द पीपल। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी जो हैं लोगों के लिए, लोगों के माध्यम से शुरू करें, बहुत लोगों का भरपूर उसमें सहयोग और साथ मिला, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जो है हम और फॉर्मलाइज करके बढ़ाना की कोशिश कर रहे हैं। सो या आई थिंक थिंग्स यू नो टुक देयर ओन टर्न एंड भगवान ने जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखा, लोगों ने बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली ने जो है अनटायरिंगली बहुत ज़्यादा यू नो एक वो जो सैक्रीफाइस होता है यू नो इन व्हेनेवर यू लीव होम नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू and you can be in any profession, you can be a sports player, you can be a government official, you know, you can be in any private sector job. So वो जो एक parents का undying support होता है और जो एक family का जो एक sacrifice attached होता है वो कहीं ना कहीं unnoticed हो जाता है। तो सारी चीज़ें जो हैं एक साथ कुदरती तौर से बन गई and here we are today। yeah. तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, अपने audience को, कि भैया ने बात करी that he is taking initiatives, तो इनकी एक organization है with the name of YSP। तो भैया आप हमें प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो इस टाइम पे करंटली क्या काम कर रही है और कैसे वो। तो देखिए ये जब मैंने जैसे अभी कोरोना के बारे में आपको बताया दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, उससे करीब मेरे ख्याल से 6 महीने या 1 ईयर बिफोर दैट रफली स्पीकिंग मैंने ये कंसेप्चुलाइज करा था आइडिया का युवा शक्ति पराक्रम के नाम से अपने ग्रुप का, और उसमें जैसे लाइक आई जस्ट मेंशनड एम्प्लॉयमेंट एंड यू नो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो ये 3 हमारे प्राइमरी फोकस तब भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर हमें सोशली किसी की हेल्प करनी है, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने यू नो डे टू डे लाइफ में किसी भी तरीके की सफरिंग कर रहा है, तो ऑफकोर्स हम यू नो कोशिश करते हैं कि हम उनकी सफरिंग को एलिविएट करें, हम उनको हेल्प करने की कोशिश करें। बट जो प्रेडोमिनेंट हमारा कोर फोकस है दैट इज स्पेसिफिकली ऑन एजुकेशन, तो बच्चों को स्कॉलरशिप देना, अभी जैसे अब हमारा अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, इसके बाद नए सेशन शुरू हो जाएंगे, सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स जो हमारे मेधावी छात्र हैं 9th कक्षा से लेकर 12th कक्षा तक, हम उनको सम्मानित करेंगे। जो हमारे नीडी बच्चे हैं, जिन लोग आगे पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो हम उनको जो है कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े होने का जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में जो है हेल्प करते हैं। वन थिंग विच आई एम करंटली वर्किंग ऑन इन एजुकेशन राइट नाउ इज सेटिंग अप काउंसलिंग एंड कोचिंग सेंटर्स। सो एक देखिए जो हमारे यहाँ गैप देखने को मिलता है, अब जैसे हम लोअर हिमाचल में और अपर हिमाचल में हमारे जो 3-4-5 जिले आ जाते हैं, हमारे लोअर हिमाचल में और खासकर अगर हम उन्हें जिले की बात करें, सो बड़ा ही एक डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि हम हैं तो प्लेन्स में, हम हैं चंडीगढ़ जैसे शहर से 2.5 घंटा दूर, तलवाड़ा जैसे शहर से कुछ 40-45 मिनट दूर, बट फिर भी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हैं। बिल्कुल। अब यहीं से आप एक जिला ऊपर चले जाइए जो आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी का जिला है हमीरपुर, टुडे इट इज़ एन एजुकेशन हब, वहाँ NIT आ गया, वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, हर एक विधानसभा अगर आप वहाँ देख लीजिए 5 विधानसभाएं जो है हमीरपुर जिले में, तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ यू नो काउंसलिंग, बिकॉज ऑफ
क्वालिटी ऑफ कोचिंग इज नॉट वेरी वेरी गुड, वेरी नॉट वेरी हाई, सो दे आर मूविंग ग्रेजुअली टू चंडीगढ़। अब जो व्यक्ति जिसके अंदर एप्टीट्यूड है और जिसके पास कहीं ना कहीं वो आर्थिक उसके पास वो स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो तो उस पर भी मिस आउट कर रहे हैं। हाँ। तो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो यहाँ से ऑलरेडी जा रहा है अपना बैग पैक करके, और जिसकी नहीं है वो जा भी नहीं पा रहा है। हाँ। तो ये जो एक हमारी ट्विन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हमारे लिए इमीडिएटली बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आई एम वर्किंग विद डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स, मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी बात चल रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक ऊना 50 करके जो है एक प्रोग्राम चलता है। अच्छा। आई कैन गारंटी यू दिस, इवन टुडे and I have been in power for 6 months, I have been in government for 6 months, हर एक यूथ को जो एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड है, एकेडमिकली इंक्लाइंड है, उसको इस स्कीम के बारे में नहीं पता चला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। अब उसमें जो हमारी राज्य सरकार है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव अलाइंड विद अ प्राइवेट प्लेयर कि जो आके कोचिंग देंगे आपका, उसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, पर बहुत सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। तो एंड टुडे द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एंड यू नो हाउ यू पुट दैट टुवर्ड्स द पीपल। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को भी उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। YSP को मैं उसका जो है एक माध्यम के तौर पे इन्विजन करता हूँ। अभी मैं तो 6 महीने से बहुत ज़्यादा जो है थॉट क्रिएशन में एंड यू नो आगे के लिए स्टेप्स प्लानिंग में लगा हुआ हूँ। अभी बहुत सारी न्यू चीज़ हैं जैसे एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको, एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली थ्रू YSP, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव प्रॉमिस्ड द पीपल ऑफ द ग्रेट, जो मैंने है 5 साल में करके दिखाना है और वहाँ से ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जीतपुर भेड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस, आज फॉर आज आए भी बड़े अच्छे दिन पे हैं क्योंकि मेरी HPCL का जो मेरा यहाँ पर एथेनॉल का प्लांट आना है उसका रिव्यू हुआ था। सो वहाँ पर जो है सम 250 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोगों को ब्लू कॉलर जॉब्स के तहत, बी इट द ट्रकिंग इंडस्ट्री, बी इट लाइक यू नो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट मैं जो इसकी इस HPCL के प्लांट की बात आपके क्वेश्चन पे इसलिए कर रहा हूँ, और YSP का इसमें क्या रोल है कि जब तक हम जैसे युवा इन चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज नहीं होंगे, अगर हम समझेंगे नहीं क्या है, तो ये चीज़ें भी डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एंड अगेन आपके चैनल के माध्यम से मैं कोई पार्टी बेस्ड पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, एंड आई रियली बिलीव कि एक बार आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 100% ऑफ द पीपल, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, एंड वी हैव टू वर्क फॉर एवरीबडी। मेरे को 62% वोट पड़ा बट मेरे को 100% जनता का जो प्रतिनिधित्व करना है। तो मैं हर एक युवा को जब भी मिलता हूँ ये बोलता हूँ, कोई वहाँ पर हम देखते हैं जीतपुर बेड़ी में कहीं पर लैंड पर डिस्प्यूट आ रहा है, कोई एक पार्टी कोई स्टेटमेंट दे देती है, कोई कुछ बोल देता है, तो ये जो एक डिले टैक्टिक्स होती हैं और ये जो भड़काऊ भाषा का प्रयोग करा जाता है और ये कहीं ना कहीं यू नो यूथ को भटकाने की कोशिश करते, इससे हमें बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नॉन पार्टी फोरम पे, जैसे युवा शक्ति प्रोग्राम का हमारा प्लेटफॉर्म है, कि हम ये ड्राइव्स करें जाकि लोगों को पता चले आज की डेट में अगर कोई सिविल इंजीनियर है, ही कैन गेट अ जॉब ऑन साइट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एक बार ही HPCL यहाँ पर अपना प्लांट बनाना शुरू कर दे। क्योंकि हम देखते हैं सिविल इंजीनियर्स यूजुअली जो कंपनीज के साथ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, कोई आसाम जाके काम कर रहा है, कोई दूसरी जगह पे जाके काम कर रहा है, सो वी आर गोइंग टू बी मेकिंग समथिंग ओवर हियर, व्हाई शुड आई हायर एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी दैट इज गोइंग टू कम, जो ठेका उठाएगी कंस्ट्रक्शन करने का, एज द लोकल रिप्रेजेंटेटिव मैं उसमें अपनी तरफ से डिमांड रख सकता हूँ कि मेरे यहाँ के जो लोकल टैलेंट है, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को समझते हैं, आप उन लोगों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करिए। सो ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब मैं भी इन चीज़ों को तभी इनेबल कर पाऊंगा, जब सारा का सारा यूथ जो है सेम पेज पे जो है अलाइंड होगा, और वो तब हो पाएगा जब गैप कम होगा। हाँ, जैसे आपने राइटली बोला, एम्पावर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोकल लोग भी जो होते हैं एक दूसरे की हम टांग खींचते रहते हैं और उसकी वजह से एम्पावरमेंट का जो है प्रोसेस है वो रुक जाता है और गैप आ जाता है। एंड थर्डली, नॉट वांटिंग टू स्ट्रेच द पॉइंट टू लॉन्ग, बट जैसे हेल्थ केयर के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। मैं पहले यहाँ पर कभी भी गायनोकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, तो ये जो स्मॉल चेंजेस हैं, एक डॉक्टर है तो एक ही हॉस्पिटल में 20-20 साल से बैठा हुआ है, अपना ही उन्होंने जो एक सिस्टम बना रखा है। सो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो रूडिमेंट्री चेंजेस जो हैं लाना बहुत ज़्यादा जरूरी सिस्टम के अंदर, और उसके बाद उसके साथ साथ स्ट्रक्चर को ओवरहॉल करना। अब जैसे हमने इलेक्शन के टाइम पे भी बात करी थी कि मोबाइल एम्बुलेंसेस का यहाँ पर आना, ताकि आपकी 3 पंचायतों में डेली जो है वहाँ पर कैंप्स लग रहे हैं, अपने ब्लड टेस्ट कराना है, अपने अल्ट्रासाउंड कराना है, अपने किसी माइनर लेवल का कोई, आपने अगर कोई अपना प्रोसीजरली कोई आपको दवाई चाहिए या कोई आपको छोटा सा कोई इशू है तो वहीं पर हाथों हाथ सॉल्व करी जाए। यानी यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ के लिए, जिस पर मैं कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक बहुत ही सब्सिडाइज्ड मैनर में, एक इकोनोमाइज्ड मैनर में यहाँ ग्रेट की जनता को जो एक अच्छे हॉस्पिटल की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि देखिए, हम मेहनत करके पढ़ सकते हैं, नौकरी के पीछे भाग सकते हैं, बट अगर कोई अनहोनी हो जाती है हेल्थ को लेके, नोबडी इज रेडी फॉर दैट, तो फिर उसके लिए हम कभी भी जो है नहीं कर सकते। तो इस एरिया में ये दिक्कत है, मैंने पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है
एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं अनवांटिंगली जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉन सेंसिटिव बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम रोज़ ही जब इतनी ज़्यादा पीड़ा देखते हैं, कुछ होते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अलाइन नहीं कर पाते कि एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है उसके परिवार के साथ, उसके परिजन के साथ, उसके किसी वाइफ के साथ या फादर के साथ या मदर के साथ जब कोई अनहोनी होती है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन उसका तो सबसे करीबी जो है वो बीमार है या उनकी जान माल को खतरा है, बट जो अस्पताल में बैठा हुआ है उसके लिए तो ये 100 में से 1 व्यक्ति है। तो वो सेंसिटाइजेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम के अंदर। मेरे हाईएस्ट लेवल पे भी जब चर्चा होती है इस चीज़ के ऊपर, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हों, चाहे जैसे मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी हों, तो इसी बात को लेके हम चर्चा करते हैं कि काम होने के साथ साथ काम होने का तरीका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो भी एज अ यंगस्टर आई फील कि वो सेंसिटाइजेशन एम्पैथी हर एक यूथ के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स समथिंग वी आर वर्किंग ऑन कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों एक टाइम था जब हम डेवलपमेंट की बात करते थे, हिमाचल की बात करूँ तो बात पानी की होती थी, रोड्स की होती थी, बट अभी हम देख सकते हैं बात एजुकेशन की हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की हो रही है, हेल्थ फैसिलिटीज की हो रही है। तो दैट इज ट्रूली न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, और वी कैन ऑब्वियसली सी कि हम ऑब्वियसली प्रोग्रेस के रास्ते पे चल पड़े हैं। भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कभी भी कोई, मेरा पर्सनल मानना है कि कोई काम अगर कोई शुरू करता है जी, तो उसके पीछे एक वाई होती है कि क्यों। आई वॉन्ट टू आस्क यू वाई पॉलिटिक्स, वाई। देखिए ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, मैंने भी जो है बड़ा इसके बारे में पहले भी सोचता था मैं। एंड जैसे मैंने कहा मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बचपन से अपने घर में भी जो है लाइक यू नो आर फादर पहले जब वो DM हुआ करते थे, DC हुआ करते थे, उसके बाद यू नो एज ही प्रोग्रेसिवली यू नो वेंट अप इन हिज करियर, उसके बाद वो जब चीफ सेक्रेटरी भी थे, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से चीज़ों को देखा। बट जब भी हम उस सिस्टम में भी एनालिसिस करते थे तो जो एक IAS ऑफिसर होता है वो तो चेयर को सर्व करता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि कौन BJP है, कौन कांग्रेस है, कौन एक्स पार्टी को बिलोंग करता है, कौन वाई पार्टी को बिलोंग करता है। अगर चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर को सर्व करना है, मिनिस्टर है तो उसको सर्व करना है, MLA है तो अपने MLA को सर्व करना है। एंड वो जो लोग हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता की जो आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से उठाना और फिर उनकी लाइफ में वो बदलाव लेके आना उनकी मॉरल, एथिकल और रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो जब मैंने अपने खुद के यू नो लाइफ में व्हेन आई वेंट टू अमेरिका एंड यू सी डेवलपमेंट एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ओवर देयर, आप वहाँ जाके देखते हैं तो जो हम टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो तो वहाँ पर नो गो है, मतलब वो तो वहाँ की उनकी कल्पना के बाहर है कि ऐसी भी किसी की दिक्कत हो सकती है। एंड वहाँ पर वो क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, जब आप उसके एनालिसिस में जाएं, अब वो एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से एक अलग इंटरव्यू लग जाएगा। बट अगर हम साधारण तौर पे देखें कि वो जो एक डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम जैसे लोग ही जो हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि मैं अगर अपनी खुद की पर्टिकुलर फैमिली की भी बात करूँ, हाँ ठीक है हमारे फादर ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसके कारण फिर जो है उनको एक सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं देने का भी मौका मिला, हम एडवांटेजेस सिचुएशन में थे बिकॉज यू नो ही वाज एबल टू गिव अस मोर एक्सपोजर। बट नाउ यू कंपेयर दैट टू अ पर्सन सिटिंग इन अ रूरल एरिया, कोई व्यक्ति हो सकता है जो मेरे से 10 गुना ज़्यादा कैपेबल हो, मेरे से ज़्यादा जो है लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है, बट हम उसको जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वो कहाँ से बढ़ पाएगा अपनी लाइफ में आगे। तो जब भी मैं किसी भी यूथ को मिलता था इलेक्शन से पहले, जब भी मैं इंटरेक्ट करता था, तो मेरे को जेन्युइनली आज की डेट में लगता है कि हमारे हिमाचल के लोगों में, हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में आई डोंट से कि मैं कोई बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करने के लिए आया हूँ और मैंने सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि सिस्टम अपने आप को विद इन से चेंज करता है, बाहर से चेंज जो करता है वो सिर्फ दिखावटी चेंज होता है और वो ठप हो जाता है एक टाइम के बाद। तो हमें एक जो है एक तरीके से माध्यम बनना है, हमें जो है कैटलिस्ट बनना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का जो है बहुत अच्छा लगता है, यू नो कि वी विल रेवोल्यूशनाइज थिंग्स, देर इज़ नो रेवोल्यूशन दैट नीड्स टू टेक प्लेस इन इंडिया। हमें इस वक्त जो हमारा यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरे को लगता है कि बाई गॉड्स ग्रेस विद माई फैमिलीज ब्लेसिंग्स, माई फादर्स मदर्स माई सिस्टर्स सपोर्ट, कि जो मेरे को एक्सपोजर मिला है अब मैं उसको अपने यहाँ के लोगों को दे सकूँ, तो उससे वो अपने आप ही बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी मैं इलेक्शन के टाइम पे किसी भी गांव में जाता था, किसी भी मोहल्ले में मीटिंग में जाता था, आप जैसे मुझ जैसे हम उम्र के जब मेरे को साथी मिलते थे, तो मैं उनको यही बोलता था कि ये सड़क बिजली पानी की बातें मत करो, मैं कारण बताता हूँ उसका क्यों। यहाँ कोई नेता नहीं चाहता कि आप पढ़ लो, कोई नेता नहीं चाहता कि आप अच्छी नौकरी में चले जाओ। अब आप पढ़ने के लिए बाहर चले गए, ठीक है जी, नॉट आउट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ कंपल्शन आप नौकरी के लिए बाहर चले गए, तो वो सड़क बिजली पानी तो टूटा ही रह जाएगा ना, कौन देखेगा उस सड़क को। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपको अपने घर में नौकरी मिली हुई है, आप सुखी संपन्न हैं, आप घर से ही उठ के 5 किलोमीटर के दायरे में जा रहे हैं, तो आप तो किसी भी विभाग में जाके किसी भी अधिकारी का कान पकड़ सकेंगे और उनको बता पाएंगे कि इस रूल के अंतर्गत आपने ये काम मेरा करना है और आपने मेरा काम क्यों नहीं किया। चाहे पंचायत हो, चाहे BDC हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे MLA हो,
चाहे कोई अधिकारी हो, तो ये जो सिस्टम में एक फॉल्ट क्रिएशन है, इसको अगर हमने ठीक कर लिया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सारे युवा साथियों से बात करता हूँ, खासकर बहुत सारी महिलाओं से बात होती है, और बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने वेल अवेयर हैं, लोगों को पता है कि क्या राइट्स हैं, कैसे होना है, बट वो एक साइकिल ऑफ लाइफ में परिस्थितियों ने, सरकारों ने, नेताओं ने फंसा के रखा हुआ, तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द आंसर टू द वाई, कि बस अगर मैंने इसका एक कैटलिस्ट में बन सका और मेरा इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर हम इसके माध्यम से चेंज ला सकते हैं सिस्टम में। जी अच्छा भैया, मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑन पर्सनल लेवल, आपने जैसे आपने बताया इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने वर्ल्ड बैंक में जॉब किया, वर्ल्ड बैंक में जॉब करना इज नॉट रियली इजी, उसके बाद देन बैक टू एडवोकेसी इन दिल्ली, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आपने देखे एनवायरमेंट को लेके, लोगों को मिलना, सोशल स्किल्स, उस पर आपने खुद पे कैसे काम किया, मतलब इतने सारे डायनामिक एनवायरमेंट में खुद को कैसे आपने वो किया, और व्हाट वर द मीडियम्स जिनके थ्रू आपने सीखा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप कि आपके दर्शक भी जो इसको सुनेंगे, और अगर मेरी लाइफ से अगर मैं कोई टेक अवे किसी को दे सकता हूँ, तो इसी का दिस, देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस, व्हिच इज अडैप्टेबिलिटी। आपको अपने अंदर, जैसे जब आप किसी भी तरीके की आयरन की बात करते हैं, किसी मेटल की बात करते हैं, तो उसमें उसकी मैलेबिलिटी देखी जाती है। मैलेबिलिटी का डेफिनेशन में मीनिंग होता है कि आप अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो बहुत मैलेबल होते हैं, आप उसके ऊपर आग लगाएंगे तो बिल्कुल पिघल जाएगा, और उसके बाद अगर आग लगाना बंद कर देंगे तो एकदम वो सॉलिड भी हो जाएगा। कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो नॉन मैलेबल होते हैं। हमारे सोसाइटी में वेरी वेरी, इट्स अ वेरी सॉरी थिंग टू से, बट हमारे एजुकेटिव सिस्टम में, खासकर हिमाचल में मैं देखता हूँ, जब भी किसी युवा से भी बात करते हैं जो बिल्कुल एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, 14 साल के, 15 साल के, 16, 17 साल के, वहाँ पर वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करना चाहते हैं। वो आपस में तो बातें कर लेंगे, हंसी मजाक सब चलता है, और पीपल आर वेरी सोशली एक्टिव, बट अगर किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको अपने खुद को कहीं पर शोकेस करना पड़ेगा, तो सब लोग जो है अपने ककून में चले जाएंगे। अडैप्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मैंने युवा शक्ति प्रोग्राम लॉन्च करा था, मेरी टीम मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर टेस्टिमनी दे सकती है इस चीज़ की मेरे से ज़्यादा, तो जब हम फील्ड में जाते थे, अगर हम कोई अपना पैम्फलेट भी लेके जाते थे, तो पहले हमें इतना ल्यूकवार्म रिस्पांस मिलता था कि कोई किसी दुकान में गए तो वहाँ रखा, तो वो बोलते थे ठीक है जी, फिर व्हेन वी विल बी कमिंग बैक, हम देखते थे कि वो आदमी उससे अपने आप को हवा दे रहा होता था, तो बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है। बट फिर हम अगले दिन जो है रात को फिर से प्लानिंग करते थे, अगले दिन उठते थे और फिर एक नए जुनून और जज्बे के साथ चलते थे, क्योंकि हमने अपने माइंड में एक एम बना रखा था कि हमने ये चेंज जो है इंस्टॉल करना है, और हमने अपने एम को अचीव करना ही करना है। और फिर जब हम करते गए, फिर लोग जुड़ते गए, खासकर युवा, जब युवा जुड़ता गया, उसके बाद जब एक चेंज बनती गई, तो अडेप्टेबिलिटी सिस्टम में आती गई। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं देखा होगा, मेरे लिए मेरे इलेक्शन का सबसे बड़ा जो मेरे को जो एक मेरे लिए विनिंग पॉइंट था, मेरा मार्जिन मेरे लिए विनिंग पॉइंट नहीं था, मेरा एक एमएलए बनना सिर्फ ऑफकोर्स मेरा वो एम था, बट दैट वाज नॉट द ओनली सक्सेसफुल टेक अवे फ्रॉम द एंटायर थिंग। जो लोग मेरे साथ जुड़े, जो आज तक मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं किसी को देखता हूँ जो मेरे साथ पुराने 3-4 साल से जुड़ा हुआ है, उनको पहले पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, एंड दे गॉट इन टू पॉलिटिक्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज। तो अडेप्टेबिलिटी की है, चाहे जब मैं बचपन से भी मैं पॉलिटिक्स देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, हमें यूएस भेजा गया, वहाँ पर हमने पढ़ाई करी, वहाँ एक डिफरेंट कल्चर लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। वर्ल्ड बैंक में जब काम किया तो वहाँ पर एक बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आके एक आपने, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर छात्र संघ राजनीति, और वहाँ पर एक डिफरेंट सा एनवायरनमेंट देखने को मिला। पढ़ाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थी, उसमें जो है अपने आप को ढालने का जो है मौका मिला। फिर दिल्ली हाई कोर्ट के गलियारों में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को और बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा, बड़े बड़े लोगों को सक्सेस प्राप्त करते हुए देखा। सो when you go through all of those stages, you know that life is not easy, and you know life is going to take many turns. Today also I'm sitting here in front of you, to aaj jahan mera success hai ek hand pe, to mere sath bahut sari cheeze hain jinko mere ko aaj bhi overcome karna padta hai. So that is all part of life. Agar hum progressively positively aage chalenge acha rahega hamari society mein. Again main darshana chahunga, kyunki हम उम्र के लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपकी भी जो ऑडियंस होगी वो ऑफ अ यंगर कैटेगरी होगी। मेरा हिमाचल के सारे युवाओं को जो है हमेशा एक ही मैसेज रहता है कि देखिए, हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टांग खींचने वाले हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक बारी जब किसी भागवत में गया था, तो ये एक लाइन मेरे साथ, वहाँ पर जो बाबा जी आए हुए थे, महाराज जी आए हुए थे, वो स्टिक करी थी। उन्होंने बोला था कि जैसे कंप्यूटर होता है तो उसमें लोडिंग होता है 40%, 50%, 60%। सो हमारे यहाँ इंडियंस का, हमारे यहाँ पर लोगों का क्या हिसाब किताब है, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा खुद का पर्सनल ग्रोथ 40 से 50 से 60 से 70 पर जा रहा है। हम ये देखेंगे कि दूसरा बंदा हमसे 70 से 80 पे चला गया है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमें 70 से 90 पे कैसे जाना है, हम ये देखेंगे कि हमने इसको 80 से 40 पे कैसे लेके आना। हमें खुद की ग्रोथ से नहीं देना देना, हमें ये है कि ये हमसे ज़्यादा की ग्रोथ कर लेगा, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक द पॉपुलेशन, द यंग पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल
एंड ऑफ इंडिया ऑल्सो अदरवाइज बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रही है. सोशल मीडिया का टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आता जा रहा है धीरे धीरे. सो आई होप कि अगले 10 ईयर्स में हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और इस देश की जो कमान है वो युवाओं के हाथ में ही होगी एंड हम एक प्रोग्रेसिवली डायनामिक चेंज लेके आ पाएंगे इस देश में. डेफिनेटली. टुडे हमने जैसे यू बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, मी पर्सनली बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं. तो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस यहाँ पे. तो मैंने पर्सनली क्या फील किया है अपने बेसिक, मतलब फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, कि क्या होता है कि हम बात करते हैं एजुकेशन की. जैसे मेरे जैसे एक बंदा पढ़ रहा है, एजुकेशन ले रहा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, उसके बाद वो ग्रो कर रहा है लाइफ में, देन ही इज गोइंग आउट फॉर जॉब्स, बीट दिल्ली, चंडीगढ़, कोई और सिटी होती है. बट उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सभी, मैंने पर्सनली ये चीज़ फील करी है, आई डोंट नो और जगह ये है कि नहीं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सारे जो है वो पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आ पा रहा. बिल्कुल. उससे क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे जो जगह है वो खाली हो रही है. मतलब कौन रह गया है, उनके पेरेंट्स रह गए वहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स रह गए. वट आई रियली फील इज कि अगर वो बाहर गए हैं तो 75 or 80% ऑफ देम आर गोना स्टे देयर, राइट, डेफिनेटली वो वापस नहीं आएंगे. तो ये जगहें तो सारी खाली हो जाएंगी. हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, अगर हम बात करें किसी और डिस्ट्रिक्ट की, शिमला की, किसी और की, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम्स और हैं, सेम है वहाँ पे, तो लोगों ने उनको रूट्स अपने जोड़ के रखा है. लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा जो कि जिसकी वजह से जो लोग हैं वो रूट्स पे जुड़ सकें. बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, बट मेरे को वहाँ पे लगता नहीं है कि जो ब्लू कलर जॉब्स हैं वो ज़्यादा है यहाँ के लोगों के लिए. अगर वहाँ पे ब्लू कलर जॉब्स हैं तो वो बाहर के बंदों के लिए हैं. तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 जनरेशन के बाद, 1 जनरेशन के बाद ये गैप आने वाला है बहुत बड़ा, और यहाँ पे तो लोग ही नहीं रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए, अगर क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो हिमाचल का भी रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड मेरा काफ़ी क्लोज एनालिसिस और यू नो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने उत्तराखंड में भी स्पेंड करा है, तो जो इस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के पहाड़ों में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली इनको डिफाइन करा गया है गोस्ट विलेजेस, क्योंकि धीरे धीरे करके वहाँ से लोग जो हैं वो प्लान कर करके जो हैं या तो प्लेन वाले इलाकों में चले गए या अपना प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट हमारी तरह, हिमाचल की तरह काफ़ी हाई है. अब बच्चे जो हैं, लाइक आई सेड पहले, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, लोग तो बढ़ना चाहते हैं. आजकल तो लोग पूरी दुनिया जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से देख लेते हैं. आप एक रील में ही देख सकते हैं कि दूसरे दूर पार देश में, विदेश में क्या हो रहा है. सो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, वैसे भी प्रोग्रेस करने की एक भावना होती है. नाउ लाइक यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, अगर हम अपने प्रदेश की, खासकर अपने ज़िले की बात करें, हमने अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का जो है कहीं ना कहीं हमने प्रयास नहीं करा है, और इस बात को हमें समझना और हमारे युवाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे यू आर सेइंग, हम बात करें शिमला की, जुब्बलकोट खाई वाले एरिया की, ये उदाहरण के तौर पे तो सेब का रीजन, इट्स नोन, एंड वहाँ पर लोग जो है उन्होंने सबसिस्टेंस का उसको अपना एक माध्यम बना लिया, रूट से जुड़ा हुआ है. अब हमारे यहाँ पर भी क्या है, जैसे आप हरोड़ी देख लीजिए, अब जैसे हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट करी है. सो यू नो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं आई हैं लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको डेस्क जॉब्स चाहिए और सिर्फ दिहाड़ी दप्पा मजदूरी नहीं करना है, तो उनको वाइट कॉलर जॉब्स की वो अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड हुई है. बट उसको सस्टेन करना, सो बेसिकली द इशू एंड द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे इज ऑफ सस्टेनेंस. अब होता क्या है कि कोई बड़ा उद्योग आता है तो उसके अंदर जो मिडिल मैनेजमेंट होती है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल जाते हैं, तो जो लोग पक्के होते हैं उनकी पक्की नौकरियां खाली ली जाती हैं, और फिर वो जो है एक ठेकेदारी प्रथा के सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है. तो एक व्यक्ति जो आपके जैसा है, मुझे जैसा, कोई पढ़ा लिखा है, जिसने MBA कर रखी है, लॉ कर रखी है, और वो उस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको तो रातों रात निकाल दिया जाता है और वो फिर एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में आ जाता है. यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि ये जो लेबर नॉर्म्स हैं, ये जो हमारा सारा इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं, उनका फ्लाउटिंग हो रहा है बहुत हैवी लेवल पे. ये और मेरा मानना है, मैंने अपने ग्रेड में तो देखा ही देखा है एंड हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, बट ये ऊना डिस्ट्रिक्ट की स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. चाहे हम इस पर पंडोगा की बात कर लें, चाहे हम टालीवाल की बात कर लें हरोली, चाहे हम अम्ब वाले क्षेत्र की बात कर लें चिनपुनी विधानसभा में, चाहे हम गगरेट में गगरेट के इंडस्ट्रियल एरिया की जीतपुर भेड़ी की बात कर लें, तो जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी तब आएगी जब उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा. तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तब तक हमारी यूथ की जो प्रॉब्लम है चलती रहेगी, और एक विशेष साइकिल है, सर्कुलर प्रॉब्लम जो है चलती रहेगी. और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझ जैसे जनप्रतिनिधियों को एक एक्टिव रोल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इन दिस इज कि हमें आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है. सो जैसे हम सेब का कंपैरिजन करते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं तो सिर्फ नाम की इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं होनी चाहिए. हमारे यहाँ पर मैं गगरेट को इंडस्ट्रियल जोन तब बुलाऊंगा, और मैं HPCL प्लांट की बात बार बार इसलिए करता हूँ, जब मैं अपने टेन्योर में यहाँ पर बड़ी कोई इंडस्ट्री लेके आ पाऊंगा और मैं यहाँ पर उनको स्थापित कर पाऊंगा. मैं अपने आप को एज अ इंडस्ट्रियल
बेल्ट का एक विधानसभा तब तक नहीं डिफाइन कर सकता जब तक मैं कुछ नया नहीं लाऊंगा। मेरे यहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज हैं, चाहे बड़ी हो छोटी हो, ये तो सब 15-15, 20-20 साल पहले आएंगे। हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हुआ करते थे अबाउट अराउंड अबाउट 20 years ago, सो ही वॉज द वन हु हैड इंसेप्टेड एंड यू नो लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द ग्रेट एंड ऑफ जीतपुर भेड़ी, एंड दोज आर द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर यू नो टुडे सर्वाइविंग ओवर देयर। कुछ नया वहाँ आया ही नहीं है। तो एक व्यक्ति जो आपकी मेरी उम्र का है, जब वो पैदा हुआ था तब तो वो इंडस्ट्री जो है तभी वही जहाँ थी वहीं आज खड़ी हुई है, और उसमें भी अब ऑटोमेशन इतना ज़्यादा आ चुका है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका भी कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। उसके लिए अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि स्किल अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल अब हम PMKVY के माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो है उनका शेयर भी देते हैं। अब हम अपने जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं या जो और भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे यू नो और भी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ हो, EV का बहुत बड़ा पुश हो रहा है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, उनकी बहुत एक विजन है EV को आप पुश लाने के लिए। सो उसके रिलेटेड जो सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल अपग्रेडेशन है, जब तक हम उन चीज़ों पर वर्क नहीं करेंगे तब तक जो हमारा क्षेत्र का, हमारे जिले का जो यूथ है वो बाहर जाता ही रहेगा। सो पहली बात तो वो स्किल्स का अपग्रेडेशन होना और साथ साथ के उसके लिए लोकलाइज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो तब हो पाएगा जब हम लोकलाइज लेवल पे अच्छा कोचिंग और काउंसलिंग देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा हमारे यहाँ का जो युवा है उसका खुद का जो एंटरप्रेन्योरशिप है माइंड में वो अलग अलग एवेन्यूज में खुलेगा, तो तब हमारे यहाँ का जो युवा है वो खुद भी किसी तरीके के एंटरप्राइज में घुस सकता है। अब देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड विच यू नो वी कैन कंटिन्यूसली कीप डिस्कसिंग। अब हमारे यहाँ पर एक पंचायत पड़ती है देवली, दैट इज़ बीइंग ईयर मार्क्ड एज अ फिशिंग हब फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है फिशरीज का एक सेटअप आने वाला, ट्रेनिंग सेंटर आएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा जरूरी है कि मैं अपनी विधानसभा में दूँ, ताकि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोकलाइज लेवल पर वो चीज़ कर सकें। तो गवर्नमेंट को, मुझ जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को कैटलिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, और ऑफकोर्स जो युवा साथी है मेरे, आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें इंटरेस्ट के साथ हमें आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने गवर्नमेंट से कनेक्ट करना भी है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट करना भी है, तो इसको माध्यम बना के कनेक्ट करिए। फॉरगेट पार्टी, फॉरगेट यू नो आप किसकी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको कौन सा लीडर अच्छा लगता है नहीं लगता, मैं अच्छा लगता है मैं नहीं लगता हूँ, बट बिकॉज यू आर अ कंस्टिट्यूएंट यू शुड अलाइन ऑन थिंग्स लाइक दिस, ताकि आप के माध्यम से सिर्फ आप ही प्रोग्रेस नहीं करेंगे, आपके और भी सराउंडिंग में लोग प्रोग्रेस करेंगे, बाय प्रोडक्ट एरिया भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा, ग्रोथ के पाथ पे जाएगा। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द एडवाइसेस दैट यू वुड लव टू गिव टू यंग एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री। सी माय बिगेस्ट एडवाइस वुड बी दैट सी आइडियोलॉजी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी में विश्वास रखना चाहिए, सबके सिद्धांत होने चाहिए और उनके जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके राह पे आपको चलना चाहिए। बट आज का जो ज़माना है इट्स नॉट ओनली अबाउट आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स, ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का ज़माना है। अगर हम आइडेंटिटी पे फोकस नहीं करेंगे, अगर हम पर्सनलाइज लेवल पे अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो आइडियोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आज की डेट में देखिए, एंड हो सकता है ये इंटरव्यू 10 साल के बाद कोर्ट हो एंड मैं खुद ही ऐसा शख्स ना बनूँ इनमें से एक, बट आज की डेट में क्या होता है, एक व्यक्ति एक पार्टी में होता है, फिर वो कल को दूसरी पार्टी में होता है, फिर वो तीसरी में होता है, फिर वो चौथी में होता है। आज की डेट में तो याद भी नहीं रहता एक व्यक्ति को कि वो कितने पॉलिटिकल आउटफिट चेंज हो चुका है। नाउ दैट इज़ नेसेसरली नॉट अ बैड थिंग। बहुत सारे लोग अपने खुद की विधानसभा को, अपने खुद के लोगों की आशाओं को देखते हुए जो है वो स्विच करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। बट इसका मतलब क्या हुआ, द इम्पॉर्टेंट टेक अवे इन दिस इज दैट आइडियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट बट आइडेंटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट। तो एनी यंग पर्सन जो पॉलिटिक्स में जा रहा है, पहली बात तो सिद्धांत होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और आपको उनके ऊपर जो है दृढ़ता के साथ जो है अडिग रहना चाहिए। बट यू कैन ओनली सक्सेस, यू कैन ओनली सक्सीड इन पॉलिटिक्स इफ़ यू एक्चुअली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट दैट यू पुटिंग फॉरवर्ड। चेंज हो सकती पर्सनल कनेक्शन बनाना और ग्राउंड लेवल पर जाके हर एक चीज़ को फर्स्ट हैंड समझना बहुत जरूरी है। मैं इलेक्शन के टाइम पे भी ये बात बोलता था कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो सारी पंचायतें घूम रहा है और दिन रात जो है, मेरे को बड़ा ही फनी लगता था, बड़ा ही मेरे को आश्चर्य होता था कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, टिका टिप्पणी करना तो क्या ही फ़ायदा है। बट मैंने जनरली पॉलिटिकल स्फीयर में देखा है और लोग आपस में भी यही बातें करते थे कि वो जी गाँव में शादी है तो आपका जाना बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं पर डेथ हो गई है तो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपनी शक्ल दिखाइए। देखिए जब तक हम डिलीवरी पर वर्क नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पॉलिटिशियन कि वो अपनी सामाजिक कर्तव्य को निभाए, वो जाए लोगों से मिले और किसी की खुशी में भी जाए, दुख में ज़्यादा खड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि वो पीड़ा का जो है आपको भी समझ आनी चाहिए और आप उनको कैसे मदद कर सकते हैं, आपको उसमें सिंपथी और एम्पथी होनी चाहिए। बट डेवलपमेंट तभी रियल हो सकती है जब हम एक्चुअल मुद्दों के ऊपर फोकस करेंगे और उसके लिए मैकेनिज्म बनाएंगे।
अब अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे किसी डेफिशिएंसी के कारण और किसी की डेथ हो जाती है और हम वहाँ जाके लकड़ी डाल आते हैं और वहाँ पर जाके अपनी संवेदनाएं जो है दे आते हैं, उससे तो उस फैमिली के लिए तो वो व्यक्ति वापस नहीं आने वाला। हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, डेथ क्यों हो रही है। अगर अनटाइमली डेथ हो रही है हॉस्पिटल में जाके और वहाँ पर हम किसी की जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर नेता का पहुँचना, एक बार जब डेथ हो गई और वहाँ शक्ल दिखा ली और लोगों ने बोला कि भाजी भाई वो नेता आगे से कुछ नहीं होने वाला, वो डेफिशिएंसी क्यों है सिस्टम में, उसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड आई थिंक जब यूथ प्रोग्रेसिवली आंसरेबिलिटी की तरफ भागेगा और आइडेंटिटी बेस्ड रास्ते पर चलेगा, तभी इस देश का, इस प्रदेश का, जिले का, ग्रेट का एंड एनी किसी भी प्लेस का जो है उत्थान हो सकता है। आई रिपीट दैट सेम थिंग दैट आई ऑलवेज टेल यू नो एनी यंगस्टर दैट आई मीट, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, मैन और अ वुमन, कि किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का झंडा उठाना ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट कि आप किसी के साथ अलाइन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उनके थॉट के साथ अलाइन हो रहा है, उनकी कार्यशैली के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके आधार पर अपनी पॉलिटिक्स को विकसित करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक वही एक एडवाइस है, मैंने ये रास्ता फॉलो करा तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला एंड आई थिंक इफ एनी बडी इन टूडेज डे एंड एज गोज डाउन दिस पाथ, उनका सक्सेस होना जो है इमिनेंटली है। जी तो दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी के साथ अपनी आइडियोलॉजी पे काम करना इज अ मेजर की टेक अवे दैट आई वुड लव टू कंक्लूड दिस सेशन विद। भाई आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर मुझे आज, बहुत दिस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आज के एपिसोड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।